देखिए देख लीजिए अच्छे से, जाकिर नाम है इसका। पूरे देश में थूथू हो रही है, इसके बाद भी अब्दुल और जाकिर मानने का नाम नहीं ले रहे। आपसे एक वीडियो दिखाना चाहते हैं जिसमें दिल्ली में रहने वाली एक महिला को बिहार का रहने वाला जाकिर, जो डीटीसी बस में अपना एल निकाल कर और लगातार ही मतलब अपना गुप्तांग निकाल कर और उसके सामने हिला रहा था और उसका प्रदर्शन कर रहा था ताकि महिला कहीं ना कहीं उसके झांसे में आ जाए। इतनी गंदी मानसिकता है यार इन अब्दुलों की, इतनी गंदी मानसिकता है इन जाकिरों की। सबसे पहले इस जाकिर की वीडियो देखिए किस तरीके से ये क्या कर रहा है इस महिला के साथ। देखिए देख लीजिए अच्छे से, जाकिर नाम है इसका। मतलब ये बिहार का भी नाम बदनाम कर रहा है मेरे भाई, पूरे तरीके से बिहार का नाम बदनाम कर दिया इस जाकिर ने। और हमें लग रहा है कि भाई इतनी घटिया मानसिकता है यार इन लोगों की। तुरंत ये बोल रहा है कि ये बिहार का रहने वाला है। भाई बिहार के रहने वाले हम भी है, हमारे जैसे जितने भी हिंदू शेर है वो काफी ऐसे है जो बिहार के रहने वाले हैं, लेकिन ये जाकिर बिहार का नाम बदनाम कर दिया मेरे भाई। आपसे बताना चाहते हैं ये एक जाकिर बिहार का नाम बदनाम कर दिया है, देख लीजिए। और भाई ये जहां जाते हैं ना वहां गंदगी ही फैला देते हैं मेरे भाई। अब देखिए किस तरीके से ये दिल्ली में जाकर और बिहारियों का नाम खराब कर दिया इस जाकिर ने। इस क्या कहे इसको, मतलब मुंह से गाली निकल रही है लेकिन कौन सी गाली दे ये समझ में नहीं आ रहा है। ये झोपड़ी वाला गया वहां पे और पूरे बिहार का नाम बदनाम कर दिया इस जाकिर ने। जाकर वहां पे प्राइवेट पार्ट एक महिला को देखकर हिला रहा है, वो भी बस के अंदर। यार इतनी घटिया मानसिकता है इसकी, देखिए एक बस के अंदर ये प्राइवेट पार्ट हिला रहा है और दिखा रहा है एक महिला को। और फिर पुलिस आकर, फिर वही है ना यार, मतलब भोजपुरी सिंगर कुछ बदनाम कर देंगे, कुछ जाकिर बदनाम कर देगा, अब्दुल बदनाम कर देगा, जुनैद बदनाम, मतलब कैसे भी बिहार का नाम डुबा ही देंगे ये लोग। ऐसे घटिया मानसिकता वाले लोग ना बिहार का नाम डुबा ही देंगे। थोड़ी सी और इसकी क्लिप चलाते हैं, देख लीजिए अच्छे से। जूते का ठेकेदारी, जूते का ठेकेदारी कर पाई है। मतलब ये मतलब कहीं ना कहीं आपसे बता रहे हैं मेरे भाई, कहीं ना कहीं ये इतने घटिया मानसिकता के लोग हैं भाई, इस तरीके से बदनाम कर रहे हैं बिहार को। हाँ ये पूरे बिहार को बदनाम कर देंगे। तो आपसे बताना चाहते हैं मेरे भाई, अगर आप लोग सच्चे सनातनी हैं, सच्चे भारतीय हैं या सच्चे बिहारी हैं, तो इस वीडियो को शेयर करें और ऐसे जितने भी घटिया मानसिकता वाले लोग हैं उनके अच्छे तरीके से इलाज करिए। क्योंकि जाकिर जैसे लोग हैं जो मतलब महिलाओं को देखकर ऐसी उल जोर और गंदी हरकतें करते हैं, उनका अच्छे तरीके से इलाज जरूरी है। और तुरंत ही ऐसी कोई भी घटना दिखे ना, तुरंत ही पकड़कर और प्रशासन को सुपुर्द करिए, तुरंत ही प्रशासन को दीजिए, प्रशासन अच्छे तरीके से इलाज करेगा। आजकल के पुलिस भी एकदम एक्टिव हो गई है और पुलिस वालों के अंदर भी एकदम कहीं ना कहीं सनातन जिंदा है उनके अंदर। और सनातनी ये समझते हैं, जितने भी सनातनी है ना वो ये चीजें समझते हैं कि ऐसे घटिया मानसिकता के जितने भी लोग हैं ना उनका इलाज बहुत जरूरी है। इसी महिला को छेड़ा था इसने और दिखाया था अपना प्राइवेट पार्ट, ठीक है ना। तो अच्छे तरीके से इलाज करिए जहां भी ऐसे गंदी मानसिकता वाले लोग मिलते हैं मेरे भाई। बाकी वीडियो को इतने पे रोकते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम और हर हर महादेव रहेगा।